हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं डॉक्टर नीलू मिश्रा, मेरे चैनल बायो प्रो प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है आरएनए। जैसा कि मैंने पिछले टर्न पे आपको जब डीएनए पढ़ाया था तो मैंने बोला था हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा आरएनए, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड का ही ये टॉपिक है। न्यूक्लिक एसिड टू टाइप्स के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। तो डीएनए आपने लास्ट टर्न पे पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे आरएनए। तो डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। और प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे क्या होगा, मैं जो भी नया वीडियो डालूंगी उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिले। इसके साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगी, मैं जो भी टॉपिक पढ़ाती हूँ, जैसे मैं अभी इस व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाऊँगी, मैंने इसमें जो भी कंटेंट लिखा हुआ है उसका अगर आपको नोट्स चाहिए या पिक चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मैं हर एक टॉपिक का जो पिक होता है इसका मैं अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती हूँ। उस इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके साथ ही साथ आप मुझे मेरी जीमेल आईडी neelumishra999@gmail.com पे मेल भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ कंटेंट चाहिए या मुझसे पढ़ना चाहते हैं या अलग से कोई टॉपिक है जो आप पढ़ना चाह रहे हैं तो मुझे बता सकते हैं, उसमें मेल करके मैं आपके लिए वो टॉपिक भी बना के दूंगी। तो चलिए फटाफट हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक आरएनए। आरएनए का मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। आर मीन्स राइबो, एन मीन्स न्यूक्लिक, ए मीन्स एसिड, यानी कि आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, मैंने आपको बताया था ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया था उसमें बोला था, कुछ आरएनए इसमें भी पाया जाता है। तो आरएनए और जो न्यूक्लियोलस होती है न्यूक्लियस के अंदर, वो भी आरएनए को बनाने का काम करती है। तो यानी कि आरएनए डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर पाया जाता है। जो आरएनए होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि इसको डिस्कवर किसने किया। तो एज यूजुअल आरएनए को किसने डिस्कवर किया था, सेवेरो ओचोआ इन 1959। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आप जरूर नोट करिएगा कि आरएनए की डिस्कवरी किसने करी थी। और इन्होंने जो साइंटिस्ट थे ओचोआ, इन्होंने ये बताया था कि आरएनए कैसे सिंथेसाइज्ड होता है। जैसे वॉटसन एंड क्रिक ने बताया था कि डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, सिमिलरली इन्होंने ओचोआ ने बताया था कि आरएनए कैसे सिंथेसाइज्ड होता है। तो इन्होंने ये डिस्कवरी करी थी। उसके बाद जो आरएनए की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें कि आरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आरएनए क्या होता है, जैसे डीएनए डबल स्ट्रैंडेड था तो आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि डीएनए भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड था, क्योंकि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। जो आरएनए है, डीएनए है, वो न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। इन तीनों को जब हम मिलाते हैं तो हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। और जो आरएनए और डीएनए है, ये दोनों ही न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। तो जो आरएनए है वो भी क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल है, बट ये क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, जबकि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। उसके बाद अगर हम नाइट्रोजिनस बेस की बात करें तो नाइट्रोजिनस बेस जो होते हैं वो डीएनए हो या आरएनए हो, दोनों में ही दोनों दो तरह के होते हैं, प्यूरिन पिरिमिडीन। बेसिक डिफरेंस क्या है, जो आरएनए होता है इसमें क्या होता है, जो प्यूरिन होता है वो एडिनिन एंड ग्वानिन होता है, जबकि पिरिमिडीन में साइटोसिन एंड यूरेसिल होता है। यानी कि चार नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, इसमें आरएनए में। और डीएनए में कौन से होंगे, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। तो ये इसके चार नाइट्रोजिनस बेस हो गए। उसके बाद जो आरएनए के स्ट्रक्चर की अगर हम थोड़ा डिटेल में बात करें, तो आरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो थ्री टाइप्स का स्ट्रक्चर ये अपना इसका होता है, थ्री टाइप का स्ट्रक्चर आरएनए का, कौन कौन सा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है एंड टर्शरी है। तो इसको बिल्कुल आपको बस सिंपल सा याद रखना है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और ये क्या होता है, क्योंकि आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में ज़्यादा लिखने के लिए भी नहीं आता है। तो आरएनए शॉर्ट नोट्स में आता है, तो शॉर्ट नोट्स में आपको बिल्कुल शॉर्ट ही लिखना होता है एक पेज का। तो आरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो थ्री लेवल का स्ट्रक्चर होता है, प्राइमरी होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, यानी इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो एक सीक्वेंस में होते हैं। दूसरा क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ये क्या होता है, हेयर पिन लूप्स जैसा स्ट्रक्चर होता है। ये कभी कभी अलग से आता है कि डिस्क्राइब द या ड्रॉ द हेयर पिन लूप्स स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, मोस्टली ये भी कम ही आता है। तीसरा जो है टर्शियरी स्ट्रक्चर, ये क्या होता है, मोटिव्स या थ्री डी फोल्डिंग्स टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है। तो आपको सिंपल याद रखना है, थ्री टाइप्स का स्ट्रक्चर होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। नेक्स्ट क्या है, अगर हम टाइप्स ऑफ आरएनए की बात करें, तो डियर गाइस, जो टाइप्स ऑफ आरएनए होता है ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ये कितने तरह का होता है, थ्री टाइप्स का होता है, कौन सा, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। ये देखिए टाइप्स ऑफ आरएनए थ्री टाइप्स का है, एमआरएनए, जो एमआरएनए है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए भी बोलते हैं। और जो टीआरएनए है ये ट्रांसफर आरएनए होता है, इसको ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं, इसका जो फुल फॉर्म है।
और जो आरआरएनए है इसको राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं, यानी ये राइबोसोमल आरएनए है। अब क्या है, ये तो हो गया आरएनए। अब आरएनए के फंक्शन की बात करते हैं, तो आरएनए का जो फंक्शन है वो बहुत इजी है, आपको याद नहीं करना, बस आपको आरएनए के टाइप याद करने, यानी एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरएनए। जो फंक्शन होता है वो तीनों टाइप्स के आरएनए करते हैं, और ऐसा जैसा कि इनके नाम से ही क्लियर है, जो एमआरएनए होता है वो क्या करता है, मैसेंजर आरएनए है, यानी क्या काम करेगा, मैसेज का काम करेगा। क्या करता है ये, क्या करता है, डीएनए की जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है उसको कैरी करता है और आगे ले आता है, तो इसीलिए इसका नाम भी पड़ा है मैसेंजर आरएनए। और क्या होता है, जो डीएनए की जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, प्रोटीन सिंथेसिस जब होती है तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को डीएनए से आगे कैरी करने का काम कौन करता है, एमआरएनए करता है। और ये कि 3 बेस के कोडिंग में करता है, यानी हमेशा ट्रिपलेट होता है कोड का, ये कोडॉन क्या होता है मैं आगे पढ़ाऊंगी आपको। आपको यहाँ सिंपल फंक्शन याद करना है कि जो एमआरएनए है वो डीएनए की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यानी मैसेज को कैरी करता है। दूसरा क्या है, टीआरएनए जो ट्रांसफर आरएनए होता है, ये क्या करता है, ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, रीड करने का काम करता है, यानी कि जो एमआरएनए जो मैसेज लाया उसको पढ़ने का, रीड करने का काम कौन करेगा, टीआरएनए। इसीलिए क्या करता है, रीड द कोड ऑन एमआरएनए, यानी एमआरएनए जो इन्फॉर्मेशन डीएनए से लाया उसको रीड करने का काम कौन करता है, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, फिर इसको आगे ट्रांसफर करेगा। फिर जो आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए, जैसा नाम से ही क्लियर है, तो राइबोसोमल आरएनए क्या करता है, ये किसी एक प्रोटीन के साथ एसोसिएट होकर राइबोसोम को फॉर्मेशन का काम करता है। ये आप सिंपल भी लिख सकते हैं, आरएनए मींस राइबोसोमल आरएनए, यानी कि आरएनए राइबोसोम को सिंथेसिस का काम करता है, यानी इन तीनों आरएनए के ऐसे सिंपल सिंपल फंक्शन है, आपको अलग से नहीं पढ़ना है। यानी अगर आपको काइंड ऑफ आरएनए पता है तो आप उसका फंक्शन सिंपली लिख सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है आरएनए वो कंप्लीट हुआ है। आशा करती हूँ कि आपको आज का टॉपिक भी समझ में आया होगा, क्योंकि मैं बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट ब्रीफ में पढ़ाती हूँ, बिल्कुल भी लेंदी नहीं करती हूँ टॉपिक को कि आपको रटना पड़े लंबी लंबे सेंटेंस, लंबी लंबी लैंग्वेज, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पसंद। मैं हमेशा शॉर्ट फॉर्म में ही पढ़ती हूँ, शॉर्ट फॉर्म में ही पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, बड़ी से बड़ी चीज़ को भी छोटे फ्लो चार्ट में ही पढ़ाने की हमेशा कोशिश करती हूँ, ताकि आपको चीज़ें याद रहें। लेंदी और लैंग्वेज तो आप खुद भी बना सकते हैं, आप सिंपल सा है। सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि मैंने लिखा है स्ट्रक्चर में सिंगल स्टैंडर्ड है, अब आपको एक लाइन लिखनी तो आप लिख सकते हैं आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, जो भी आप खुद भी लिख सकते हैं। इसलिए बहुत लेंदी लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं होती है, शॉर्ट में लिखिए, क्योंकि मेन क्या होता है, कंटेंट देखना होता है, एग्जाम में कंटेंट ही देखा जाता है कि आपने क्या लिखा है, होता है नहीं है ये डिटेल कोई नहीं पढ़ता, आपको बेसिक चीज़ें पता है कि नहीं पता है, यही मेन देखा जाता है एग्जाम में। तो मैं आपको उसी अकॉर्डिंग ही पढ़ाती हूँ जैसे मैं खुद भी स्टडी करती हूँ। तो डियर गाइज, न्यूक्लिक एसिड के दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक जो थे डीएनए एंड आरएनए वो कंप्लीट हो गए हैं। अगले टाइम पे मैं एक नया टॉपिक लेके आऊँगी, बट अभी मैं ओपन नहीं करूँगी मैं क्या लेके आऊँगी। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, लास्ट में फिर से प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब फॉरवर्ड करिए प्लीज़, थैंक यू।